तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है लवासा कॉर्पोरेशन से, जहां पर एनसीएलटी या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने फाइनली क्लियर कर दिया है लेंडर्स प्लान बैंकक्रप्ट लवासा को बेचने के लिए। और डार्विन ग्रुप जिसने ऑक्सीजन में पाक लिया था वो 1864 करोड़ रुपए की कीमत के साथ में अब लवासा के न्यू ओनर बनेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल पर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो है वो लवासा से रिलेटेड है, अप्रोक्सीमेटली सवा लाख का शहर किस तरीके से फेल हो गया था, लेकिन यहाँ पर अभी इसको रिवाइव करने के लिए कोशिशें शुरू हुई है। वैसे दोस्तों यहाँ पर सबका नुकसान ही है, 1864 करोड़ रुपए किसी काम ज्यादा आएंगे नहीं, क्योंकि 8000 करोड़ से ज्यादा तो बैंक्स के पास में कर्जा बचा था लवासा का। साथ में हजारों लोग ऐसे थे जिन्होंने यहां पर इन्वेस्ट की थी प्रॉपर्टीज के लिए, लेकिन उनको कभी अपने घर मिले नहीं, लेकिन वो लोन भरते गए, साथ साथ 10-15 साल तो लेट हो ही गया ये प्रोजेक्ट। सिर्फ जो पॉलिटिशियंस यहां पर इन्वॉल्व थे उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। यहां पर होपफुली थोड़ा बहुत जो बिल्डिंग्स परमिशंस वाली थी वो बनते हुए नजर आएगी, कुछ तो रिविजन होता हुआ नजर आएगा लवासा के अंदर। लेकिन एनवायरमेंटल क्लियरेंस का इशू अभी भी है, जिसके कारण लवासा का जो पहले ग्रैंड मास्टर प्लान था वैसी डेवलपमेंट तो यहां पर नजर नहीं आएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है एसी लोकल्स ऑफ मुंबई से रिलेटेड, और ये नेगेटिव खबर है। आप जानते हो कुछ दिनों पहले ही 238 रेक्स ऑफ वंदे मेट्रो मुंबई के लिए ऑर्डर करने के लिए टेंडर्स इनवाइट हुए थे, जो कि पूरे के पूरे मुंबई लोकल ट्रेन के एंटायर फ्लीट को रिप्लेस करने वाले थे, जिसके अंदर 2 डेपोज भी शामिल थे, लेकिन यहां पर एमवीआरसी ने ये टेंडर्स कैंसिल कर दिए हैं। अब दोस्तों पता नहीं एग्जैक्टली क्यों हुआ है, प्रोबेबली कोई ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल इशू के कारण ही ये हुआ होगा, क्योंकि टेक्निकल इशूज यहां पर इतने थी नहीं, और साथ साथ इंटरनेशनल टेंडर्स ये थे जिसकी वजह से एल्स्टॉम, सीमेंस, बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती थी। लेकिन अब नजर आ रहा है कि कुछ दिक्कतें हैं। अब ये बहुत नेगेटिव खबर इसलिए क्योंकि मुंबई को मोर देन अ डेकेड से नीड है अच्छे नए लोकल्स की, नए रिवैम नेटवर्क की, और लोग अब जानते हो किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं मुंबई लोकल नेटवर्क के अंदर। इस तरीके के टेंडर्स डिले होने की वजह से जो है ऑब्वियसली लोग जो है वो बहुत सालों तक और स्ट्रगल करेंगे, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स बैठे ऑफिस के अंदर उनको इन चीज के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली खबर दोस्तों जारी हुई है जर्मन लग्जरी कार मेकर बीएमडब्ल्यू से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले समय में वो इंडिया के अंदर बनाएंगे। तो दोस्तों बीएमडब्ल्यू ने 9% ग्रोथ देखा है उनके सेल्स के अंदर इंडिया में, और ईवीज के अंदर भी ग्रोथ देखा है, साथ साथ 25% का ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 का। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, लैंड रोवर, ये सारी जो कंपनीज है लग्जरी कार मेकर्स, ये इंडिया के अंदर ग्रोथ देख रही है आने वाले 8 से 10 साल के अंदर। चाइना के बाद में इंडिया ही सबसे बड़ा मार्केट होगा यहां पर इन गाड़ियों को सेल के लिए, और इसलिए लग्जरी कार मेकर्स है वो बीएमडब्ल्यू हो, मर्सिडीज हो, या ऑडी, इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। साथ साथ दोस्तों जो मर्सिडीज की EQS वगैरह गाड़ियां है, जो अप्रोक्सीमेटली 2-2 करोड़ की EVs है, वो 6-6 महीने के वेटिंग पे चल रही है इंडिया के अंदर, और ये पूरी तरीके से कंप्लीटली इंपोर्टेड गाड़ियां इतनी महंगी होने के बावजूद इंडिया में बिक रही है। इनका मतलब ये है कि आने वाले समय में इस मार्केट में ग्रोथ देखने मिलेगा, और BMW ने इसके लिए लोकलाइजेशन करने का डिसीजन लिया है वॉल्यूम पे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो सोला से, जो एक US बेस्ड कंपनी है, और इन्होंने एक वीक स्टेटमेंट दिया है जहां पर कहा है कि hundreds of millions of dollars वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और यहां पर जो बड़ा स्टेटमेंट है वो ये है कि जो मटेरियल सोर्सिंग होगी इनके लिए वो चाइना से नहीं होगी। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। टेस्ला भी डिस्कशन से कुछ इंडियन कंपनी साथ में, जानते हो टेस्ला भी सोलर पैनल बनाने का काम करती है अपने सब्सिडियरी कंपनी के अंदर। यहां पर US का फर्स्ट सोलर जो कंपनी है ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज है सोलर इंप्लीमेंटेशन के अंदर। इंडिया करेंटली सोलर पैनल्स के डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छे फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर ये होना बहुत जल्द हमें देखने मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जारी हुई है द आगरा रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से, ये स्पेसिफिकली तो RLDA से ही, जिन्होंने कहा है कि वो 90,304 स्क्वायर मीटर्स ऑफ स्पेस डेवलप करेंगे रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के तौर पर बेलानगंज के अंदर। तो आप जानते हो दोस्तों रेलवेज की हजारों, इनफैक्ट लाखों एकर्स ऑफ लैंड कहीं कहीं पर मौजूद है, जहां पर ये ऐसी खाली पड़ी थी जमीन जो है वो बिल्कुल भी अच्छे से आप यूज नहीं हो पा रही थी। लेकिन गवर्नमेंट ने RLDA बनाई थी, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो इन खाली जमीनों का इस्तेमाल कर रही है रेलवेज के लिए पैसा जनरेट करने के लिए। कहीं पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, कहीं पर रियल एस्टेट बनाया जा रहा है, कहीं पर लीज किया जा रहा है, कहीं पर पावर प्लांट्स बन रहे हैं, ऐसी अलग अलग चीजें रेलवेज कर रहे हैं। इसी में से ये एक जो जमीन इनके पास में आगरा में पड़ी है ये 99 ईयर्स के लीज बेसिस पर जो है वो दी जाएगी। 223.80 करोड़ रुपीज का रिजर्व प्राइस होगा, इसके कारण रेलवेज को एक बहुत लंबा समय मिलेगा रेवेन्यू जनरेशन के लिए, और उनकी खाली जमीन भी यूटिलाइज हो जाएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने कहा कि वो एक नया कैंपस एस्टेब्लिश करेंगे पंचकुला के अंदर, जो कि चंडीगढ़ के पास में है। तो जो होम सिक्योरिटी टीवीएसएन के है उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। लैंड एलोकेशन जल्दी गवर्नमेंट के साथ में डिस्कस कर पब्लिक कर दिया जाएगा, और इसके कारण जो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है ये ज्यादा स्टूडेंट्स कोर्स कर पाएगी। अगली दूसरी जो खबर आ रही है वो है इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जो म्यांमार, थाईलैंड, ये सब कंट्रीज उनसे रिलेटेड, और भारत इनके साथ में बड़े लेवल पर पावर ट्रेडिंग शुरू करने वाला है। तो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी आप जानते हो कि हमारे देश के अंदर आज के
स्पीड में बहुत बड़े स्पीड में बढ़ रही है। इनफैक्ट कई डेवलप्ड देशों से ज्यादा हमारा परसेंटेज ज्यादा है रिन्यूएबल एनर्जी का। करेंटली हमारा पावर ट्रेडिंग जो अरेंजमेंट है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्री साइड तो बढ़ ही रहा है, लेकिन यहाँ पर अब डिसीजन लिया जा रहा है कि हम आजू बाजू के देशों को भी इसके अंदर इंक्लूड कर ले। तो दोस्तों ये जरूरी इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास में सॉफ्टवेयर आ जाती है, हम उनकी बिजली कंट्रोल कर सकेंगे। उन देशों के लिए अच्छा है क्योंकि हम स्केल पर चीजें डेवलप कर सकते हैं। जो पेरिस क्लाइमेट समिट के गोल्स है वो इंडिया बेहतर तरीके से मीट कर रहा है, और हम अगर उनको ग्रीन एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उनके लिए वो इजी हो जाएगा कार्बन क्रेडिट्स कम करने के लिए। छोटे देशों के कंपैरिजन में हमको इजी है। तो यहाँ पर इंडिया का जो है सॉफ्टवेयर तो बढ़ेगा, साथ साथ वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो प्रोजेक्ट भारत ने बनाया था कि बिजली जो है आपस में सब देशों में बटी हुई होनी चाहिए, वो शुरुआत जो है इन देशों से ही होगी। अगली दूसरी जगह बना रही वो है द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की, जिन्होंने अप्रूव किए हैं 89 इंजीनियरिंग कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पर जो है 44 कॉलेजेस जो है सेल्फ फाइनेंसिंग करते हुए बनेंगे, जबकि 27 गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे। तो वैसे देखा जाए तो 27 ही गवर्नमेंट कॉलेज खुल रहे हैं और 18 जो बचे हुए रिमेनिंग इंस्टीट्यूशन है वो अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट डिप्लोमा ग्रेजुएट्स इन जैसे स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत काम करेंगे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत स्टेम एजुकेशन को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, आने वाले समय में इनकी नीड बढ़ेगी तो इसके लिए कॉलेजेस ओपन ऑब्वियसली हुए हैं। जरूरी है कि अब क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए भी चीजें की जाए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एयर इंडिया से, जिन्होंने फाइनलाइज किया है 800 CFM इंटरनेशनल लीप इंजन्स का ऑर्डर एयरबस के 320 न्यू एयरक्राफ्ट और 321 न्यू एयरक्राफ्ट के लिए और 190 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट के लिए। तो आप जानते हो जो अब हमारे देश के अंदर एयरक्राफ्ट ऑर्डर है बोइंग का, जो हमारे देश के अंदर ऑर्डर है एयर इंडिया का, वो बहुत बड़ा है। लेकिन जो लोग जानते हैं एविएशन इंडस्ट्री को, वो लोग ये जानते होंगे कि जो बोइंग एयरबस है इनसे आप सिर्फ प्लेन खरीदते हो, वो प्लेन्स के जो इंजन होते हैं वो आपको दूसरी कंपनी से खरीदने पड़ते हैं, रोल्स रॉयस वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो है जो लीप इंजन यूज किए जाएंगे उसके लिए अलग से डील करनी पड़ती है, फिर वो इंजन जाते हैं एयरबस बोइंग को। तो यहाँ पर बहुत बड़ा इशू ये है पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसकी वजह से ऐसी चीज की जाती है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब यह है कि इंडिया ने अब इंजन वाली डील भी साइन कर ली है, यानी जो एयरबस बोइंग है इनको अब ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए प्लेन्स की डिलीवरी शुरू करने के लिए। अगली दोस्तों को बता दी वो इंडियन रेलवे से, जिन्होंने टेंडर्स इन्वाइट किए हैं एंटी कोलिजन सिस्टम या कवच सिस्टम लगाने के लिए दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर के ऊपर, यानी जितनी ट्रेन यहाँ पर चलेगी उनके ऊपर कवच सिस्टम जल्द से जल्द एनेबल कर दिया जाएगा। 6000 किलोमीटर का टोटल रूट पड़ता है, और दोस्तों आप जानते हो ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट के बाद में ज्यादा जरूरी और ज्यादा अर्जेंट हो गया था कवच का इंस्टॉलेशन करने के लिए। इसके लिए जो दो बहुत बिजी रूट्स हैं इन पर पहले इंस्टॉलेशन किया जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वह मॉडल स्टेशन स्कीम से रिलेटेड, जो कि अमृत भारत के अंदर आ रहा है, और यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि देश के अंदर के 1309 स्टेशन को आइडेंटिफाई करके डेवलप किया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये ब्रांड न्यू है, इसके अंदर से कुछ स्टेशन के ऊपर काम ऑलरेडी चल रहा है, कुछ के नाम पहले भी बताए गए थे। यहाँ पर अभी बेसिकली आप कह सकते हो ये कब तक की लिस्ट निकाली गई है। तो ये जो स्टेशन है इनको मिलेंगे नए मीटिंग हॉल, सर्कुलेटिंग एरिया, स्टेशन एक्सेस को बेहतर बनाया जाएगा, एस्केलेटर जहाँ पे जरूरी हो वो, क्लीनलीनेस के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, फ्री वाईफाई, कियोस्क बनाए जाएंगे लोकल प्रोडक्ट्स को स्कीम करने के लिए, जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम है वो यहाँ पर यूज किया जाएगा। स्टेशन को कुछ मिलेंगे एग्जीक्यूटिव लाउंज, नॉमिनेटेड स्पेसेस, बिजनेस मीटिंग हॉल्स, लैंडस्केपिंग, व्यूइंग डेक्स, इन जैसी चीजें मिलेगी कई सारे स्टेशन को, डिपेंड करता है कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, लेकिन 1309 स्टेशन इसके अंतर्गत है अभी तक। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करिए तो लोरम इसमें सतीश पूछता है व्हाई ऑल टीयर 2 एंड टीयर 1 सिटीज डोंट हैव अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल्स लाइक मुंबई, अहमदाबाद, सूरत एंड गांधीनगर हैव। तो यार देखो ये गांधीनगर की तो अलग बात हो गई, वहां पे तो प्लैंड सिटी है तो कुछ हद तक अंडरग्राउंड हो गया है, लेकिन मुंबई वगैरह में कहां पर देखने मिलता है, अहमदाबाद वगैरह में भी कुछ है नहीं, सूरत के अंदर भी बहुत बहुत लिमिटेड एरिया के अंदर है। हालांकि जो न्यू एरियाज बन रहे हैं हमारे देश के हर शहर के अंदर, वहां पे जो मेन लाइन आती है, जो भी गवर्नमेंटल डिस्कॉम है वो जो भी मेन लाइन किसी एरिया में पहुंचाती है वो जनरली बहुत बड़े टावर से आजकल नहीं पहुंचा रही है, वो अंडरग्राउंड ही आ जाती है। दिक्कत आती है उनसे लेके जो लोकल घर वगैरह है वहां पे, जो छोटे बिजनेस है उनमें दिक्कत आती है, हाई पावर ट्रांसमिशन को कुछ नहीं कर सकते, और ये जो लो टावर का एंड का एरिया वहां पे कुछ नहीं कर सकते, बीच का अंडरग्राउंड हो रहा है। अभी क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में बात करें तो देखो यार डिफिकल्ट है, हमारे यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन है ना लोकल गवर्नमेंट की रोड बनाने वाली अथॉरिटी के बीच में, जो MSEB के डिस्कॉम्स होते हैं या उसके बारे में हम बात करें, तो वहां पर जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है। रोड बनेगा फिर उसको रोड के प्लानिंग में गवर्नमेंट का काम है ही नहीं कि वो यूटिलिटीज के लिए जगह छोड़े, तो वो वायर के लिए जगह छोड़ेंगे नहीं, फिर वो बनेगी कैसे, ये दिक्कत आती है। मुंबई जैसे शहरों के अंदर शुरुआत हुई है क्योंकि मुंबई में भी बहुत बड़ा जो है रोड का कॉन्क्रीटाइजेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उस कॉन्क्रीटाइजेशन के जो भी टेंडर्स अनाउंस हो रहे हैं उनके अंदर यूटिलिटीज के लिए डक्स छोड़ने की बात की गई है, और कुछ सैंपल प्रोजेक्ट्स बने हैं मुंबई के वेस्टर्न प्रोजेक्ट्स के अंदर जहां पर यूटिलिटी डक्स छोड़े गए हैं। अब उनका इंप्लीमेंटेशन कितने से अच्छा है, स्ट्रिक्टनेस कितनी अच्छी रखी जाती है उनको यूज करने के लिए, वो डिपेंड करेगा, जबकि प्लैंड सिटीज के अंदर इतना इश्यूज का नहीं आता। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट से पूछ सकते हो #askpt के साथ में। अगर आप हमें न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए आप लिंक यूज कर सकते हो हमारे डिस्क्रिप्शन की, और मिलेंगे अगली वीडियो में।